When you are working on your smartphone, आपको ये वाला एरर देखने को मिल रहा है अपने फ़ोन के अंदर, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर और इजीली इसको ठीक कर लोगे। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर चले जाना है और ऐप्स एंड नोटिफिकेशन वाला ये ऑप्शन, आपका फ़ोन कोई भी हो सकता है, सैमसंग, रेडमी, ठीक है, तो ऐप्स को ओपन कर लेंगे और ऊपर जो सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वहाँ पे सर्च करेंगे सेटिंग्स लिख के। देखिए सेटिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, सेटिंग्स स्टॉप हो रही है, तो उन्हीं को हमें फिक्स करना है। तो यहाँ पे एक स्टोरेज एंड कैशेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हो कि 623 KB का जो स्टोरेज है, कैशेज बने हुए हैं, कुकीज़ बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दो ऑप्शंस, क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैशेज। तो आपको कैशेज को क्लियर करना है, देन आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना और यूज़ करना है। आपके फ़ोन में इसके बाद कोई प्रॉब्लम देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको सेकंड ऑप्शन जो क्लियर स्टोरेज का है इसको अप्लाई करना है और स्टोरेज को भी क्लियर कर लेना है। यहां से आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इसको करके देखो एंड कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं, अभी भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में दोस्तों नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।